ओके गाइस, तो हम लोग जो है ऑलरेडी देख चुके थे कि हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, राइट। और इसके अलावा वैक्सीनेशंस का क्या रोल है कम्युनिकेबल डिजीज के प्रिवेंशन में। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज तो मतलब तो पता ही है आप लोगों को, तो फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है। नाउ रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आवश्यक है हेल्दी और फिट रहने के लिए। नाउ एक्सरसाइज इम्प्रूव्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड टोन्स अप आवर मसल्स। एक्सरसाइज जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, बॉडी में खून के संचार को जो है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन वी एक्सरसाइज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ब्रेन। ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्रेन की तरफ सप्लाई होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेइंग आउटडोर गेम्स, जो आउटडोर गेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और एंड हॉकी, ऑल्सो कीप अस फिट। ये भी हमें फिट रखते हैं। योगा, स्विमिंग, फिर साइकिलिंग, वॉकिंग और रनिंग, ठीक है। दीज आर सम अदर गुड एक्सरसाइजेज। ये भी कुछ अच्छे एक्सरसाइजेज हैं, ये भी जो है कुछ जरूरी एक्सरसाइजेज हैं। सो यू नो लाइक यू कैन लुक एट दिस एक्टिविटी, जैसे प्लेइंग हो गया, योगा हो गया, स्विमिंग और साइकिलिंग हो गया, ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अब आगे हम बात करते हैं एडिक्वेट रेस्ट। सिर्फ जो है एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, पर्याप्त रेस्ट भी होना चाहिए। तो प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू आवर बॉडी। प्रॉपर रेस्ट और स्लीप जो है ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है और हमारे बॉडी को भी आराम देता है, रेस्ट देता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ये जो है बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अगर मान लो कि आप बढ़िया से बढ़िया नींद ले मिलती है आपको, सुबह में आपका दिमाग जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है ना, आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका आपकी थकान भी ख़त्म हो जाती है, तो फ़ायदा हुआ ना। नेक्स्ट डे आप बिल्कुल प्रॉपर फिटनेस साथ काम करते हैं। नो आफ्टर हैविंग एडिक्वेट रेस्ट वी फील फ्रेश एंड गेट रेडी टू वर्क अगेन। अब पर्याप्त रेस्ट करने के बाद जो है, एडिक्वेट रेस्ट के बाद जो है, हम बिल्कुल ताज़ा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं फिर से। नाउ टू स्टे हेल्दी एन एडल्ट नीड्स 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन ए डे। हेल्दी रहने के लिए कोई एडल्ट जो है, एक एडल्ट को जो है 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए हर एक दिन। इन एडिक्वेट स्लीप कैन मेक अस सिक। और पर्याप्त नींद जो है ये हमें बीमार बना सकती है। तो इसलिए स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविजन और अदरवाइज इज अ बैड हैबिट। इसलिए टीवी देखने के लिए या किसी और कारण से देर तक जगे रहना ये बुरी आदत है। आगे अब हम बात करते हैं पोस्चर की। पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे हेल्थ और फिटनेस के लिए। पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी वेन वी सिट, स्टैंड और मूव। पोस्चर जो है वो पोजिशन है जिसमें कि अपनी बॉडी को हम रखते हैं जब भी हम बैठते हैं या खड़े होते हैं या फिर चलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाइल स्टैंडिंग और सिटिंग वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट। खड़े होते वक्त, बैठते वक्त या किसी भी समय में चलते वक्त ही हम जो है हमेशा अपने जो है बैक को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। लीनिंग फॉरवर्ड व्हाइल रीडिंग पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन आवर बैक एंड आइज। पढ़ते वक्त जो हम आगे झुक के ऐसे करके पढ़ते रहते हैं टेबल पर, तो ये जो है क्या करता है कि हमारे पीठ पर और हमारी आंखों पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, एक्स्ट्रा जोर डालता है। करेक्ट पोस्चर गिव्स अस अ ग्रेसफुल अपियरेंस व्हाइल इनकरेक्ट पोस्चर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन मेक अस सिक। करेक्ट पोस्चर जो है वो हमें जो है हमारी अपियरेंस को भी बढ़िया रखता है, और जो इनकरेक्ट पोस्चर होता है अगर वो लंबे समय तक चलता रहा वो, तो फिर ये हमें बीमार कर सकता है। तो इसलिए पढ़ते वक्त ये वाली आदत ना ना, ये आदत बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल सीधा होकर बैठना है पढ़ते वक्त, ठीक है। चलो फिर, अभी हमने की टर्म्स, की वर्ड्स क्या क्या सीखे इस चैप्टर में, तो बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या हो गया, तो ऐसा खाना जिसमें कि सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और रफेज और पानी ये सब मौजूद होते हैं जिनकी हमारे बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है। डिजीज़ क्या है, तो डिजीज़ जो है ऐसी कंडीशन है जो कि जिसमें कि हमारा बॉडी या इसका कोई हिस्सा जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये वो डिजीजेज हैं जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं फैलते हैं।
कम्युनिकेबल डिजीजेज वो हैं जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकते हैं। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन क्या होता है, तो इसमें जो है वो जर्म जो कि किसी बीमारी के जर्म का वीक या डेड कुछ मात्रा जो है, ठीक है ना, मतलब किसी बीमारी के जर्म्स का कमज़ोर किया हुआ कुछ जर्म या फिर मरा हुआ कुछ जर्म जो है छोटी मात्रा में, वो जो है हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है ओरली मुंह के रास्ते से या फिर इंजेक्शन के द्वारा ब्लड के रास्ते से, जो कि फिर हमें उन डिजीज से बचाता है। कैसे बचाता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन में बात की थी, राइट। फिर न्यूट्रिएंट्स की बात करें अगर, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो ये वो आवश्यक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर, बॉडी के रिपेयर के लिए जो है जिनकी ज़रूरत होती है। लेट्स क्विकली लुक एट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी इस चैप्टर में। तो हमारे फूड में जो है पांच मेन न्यूट्रिएंट्स तो रहना ही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। इसके अलावा जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है रफेज और पानी भी रहता है हमारे फूड आइटम्स में, डिफरेंट अच्छे फूड आइटम्स में। ऐसा डाइट जिसमें कि सही मात्रा में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर मौजूद होते हैं जिनकी हमारे बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत होती है, तो उसे हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। खाना जो है वो ढंग से धुलना चाहिए, बनना चाहिए और स्टोर होना चाहिए इसके न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए। डिहाइड्रेशन, सुखाना, कैनिंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, पिकलिंग और प्रिजर्वेटिव ऐड करना, ये जो है कुछ मेथड हैं फूड प्रिजर्वेशन के। जनरली डिजीजेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। न्यूट्रिएंट्स की कमी से फूड में, हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं और ये मोस्टली नॉन कम्युनिकेबल होते हैं ऑफकोर्स। फिर जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई जो हैं वो हमारे बॉडी में विभिन्न रास्तों से घुसते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं, और इनमें से ज़्यादातर बीमारियां जो होती हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं। बाय द वे, प्रॉपर हाइजीन और वैक्सीनेशन जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस के विस्तार को, प्रसार को रोकता है। रेगुलर एक्सरसाइज और एनफ रेस्ट, ये हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है। सो वेल, दैट्स इट फॉर दिस लेसन। आई एम श्योर कि आप लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन को इजीली जो है कंप्लीट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर इट विल बी फन एक्टिविटी फॉर यू। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो, जस्ट डू वन थिंग, वॉच द वीडियो अगेन, रीड द बुक अगेन, एंड योर आंसर्स विल बी देयर। ओके, जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट। वेल देन, बाय बाय, सी यू विद द नेक्स्ट लेसन। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, बाय बाय।